हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज के हम एनसीसी नोट्स की वीडियो में हमारे फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट एफसीबीसी के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फील्ड सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक में इसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको प्रैक्टिकल्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज वेल एज थ्योरी में तो आते ही आते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले एक चीज देखते हैं, फायर एंड मूव। ओके, फायर एंड मूव क्या होता है? देखो, इन्फेंट्री इन्फेंट्री क्या होती है? एक पैदल सेना। ओके, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके बाद रहती है, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। देखो, द प्राइमरी एम ऑफ इन्फेंट्री इज टू क्लोज इन विद द एनिमी एंड डेस्ट्रॉय हिम। कि भाई, पैदल सेना का सबसे जो महत्वपूर्ण काम है या जो सबसे प्राथमिक काम है जिसको हम प्राइमरी एम बोले, तो वो क्या है? दुश्मन के नजदीक जाना और उसको बर्बाद कर देना। लेकिन दुश्मन के नजदीक जाके उसको बर्बाद करने के लिए आपको एक सेट ऑफ स्किल्स और सेट ऑफ टैक्टिक्स आना जरूरी है। आपको ग्राउंड का एक प्रॉपर यूज करना आना जरूरी है। उन्हीं में से एक कला को क्या बोलते हैं? फील्ड सिग्नल्स। ओके, उन्हीं में से एक चीज को क्या बोलते हैं या एक टैक्टिक को क्या बोलते हैं? फील्ड सिग्नल, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक जो क्लेवर एनिमी होता है, जो चतुर दुश्मन होता है, वो आपको कभी भी एडवांटेज नहीं लेने देगा। ओके, वो अपने डिप्लॉयमेंट इस तरीके से करेगा, जितने भी कवर वाले रास्ते हैं उनमें से आप ना आ सको। ओके, वो हमेशा हाइट पे बैठेगा ताकि वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर सके। ओके, तो वो आपको ग्राउंड में जो कवर प्रेजेंट है, जितने भी आर्ड प्रेजेंट है, उनको यूज नहीं करने देगा। तो ऐसे जगह पे आपको खुले मैदान का यूज करना पड़ता है, दुश्मन के सामने आके मूवमेंट करनी होती है। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं फायर एंड मूव। फायर एंड मूव में क्या होता है, जो भी सपोज ये दुश्मन का पोजिशन है, ये हमारी अटैक यूनिट है। ओके, जो वहां पे जाके दुश्मन के पोजिशन पे जाके अटैक करने वाली है, तो ये यूनिट क्या करेगी, अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगी। ओके, और दो हिस्सों में सपोज ये हिस्सा फायर करेगा और ये हिस्सा मूव करेगा, यानी ये हिस्सा जब दुश्मन पे गोलीबारी लगातार बरसाता रहेगा, तो दुश्मन ऑब्वियस सी बात है अपने बंकर में छुपा रहेगा, अपनी आड़ के पीछे छुपा रहेगा। तब तक जो ये दूसरा हिस्सा है, ये मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। कुछ देर बाद ये जब अपनी एक आड़ पकड़ लेगा, एक पोजिशन बना लेगा, उसके बाद दूसरा हिस्सा दुश्मन पे अटैक करेगा। ओके, दुश्मन फिर से कवर में छुप जाएगा। देखो, गोली के सामने कोई नहीं आना चाहता। ओके, सबको अपनी जान प्यारी है, तो दुश्मन वापिस से अपने बंकर में या कवर में छिप जाएगा। उसी समय पे दूसरा पार्टी है जो वो आगे की तरफ मूव करेगी इन सिमिलर मैनर। उसके बाद ये अपनी पोजिशन बना लेंगे, ये फायर करेंगे और ये मूव करेंगे। उसके बाद ये अपनी पोजिशन बना लेंगे, ये फायर करेंगे और ये मूव करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम दुश्मन के नजदीक जाते हैं ओपन ग्राउंड में, जब हमें दुश्मन आड़ का प्रयोग नहीं करने देता या फिर हमारे पास आड़ नहीं होती है, बैटलफील्ड पे इतनी ज्यादा आड़ नहीं होती है। ओके, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। फायर एंड मूव की टैक्टिक्स किसको कहते हैं, या फायर एंड मूव टैक्टिक्स के बारे में लिखिए। ये एक बेसिक टैक्टिक है किसकी, हर एक इन्फेंट्री और मैकेनाइज ऑपरेशन की। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदी में मैंने समझा ही दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आते हैं फील्ड सिग्नल्स। देखो, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड मेंशन की है। देखो, जब भी हमें किसी को भी अपना मैसेज कन्वे करना होता है, सपोज मेरे को मेरा मैसेज इस रिकॉर्डिंग में डालना है, तो मेरे को अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। ये एक सबसे बेसिक सा मेथड है, ऑल्दो अपना मैसेज कन्वे करने के कई सारे मेथड है कि मैं लिख के भेज सकता हूँ किसी को मैसेज, लेकिन आवाज से बोल के बताना सबसे बेसिक सा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक मेथड है अपना मैसेज कन्वे करने का। ओके, जैसे हमें पता पुराने टाइम में और आज भी धुएं से भी हम मैसेज को अपने को कन्वे कर सकते हैं, साउंड ऑफ ड्रम से भी अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि आपने पुराने राजा महाराजाओं की फिल्मों में देखा होगा किस तरीके से मिरर से एक गांव से दूसरे गांव मैसेज पहुंचाते थे, या अलग अलग बीट्स बजा के मैसेज पहुंचाते थे। सिमिलर मैनर में आर्मी में भी कई सारे तरीके होते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के, उनमें से एक तरीका है फील्ड सिग्नल्स।
जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फील्ड सिग्नल्स बाय हैंड, हाथ से सिग्नल देने का तरीका। इसमें मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में स्लाइड नोट्स मेंशन किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो तो डिप्लॉयमेंट, ओके, यानी अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉय हो जाओ या दुश्मन का डिप्लॉयमेंट दिख रहा है। तो दाहिने हाथ को पूरी तरीके से सिर के ऊपर बढ़ाया और लहराया, दायां हाथ उठाया पूरा तरीके से सिर के ऊपर उठाया और फिर लहराया। ध्यान क्या रखना है, हथेली खुली हो। ओके, एडवांस यानी आगे बढ़ने के इशारा, दायां हाथ पीछे की ओर किया और आगे की ओर स्विंग कर दिया, पीछे की ओर लेके गए और आगे की ओर स्विंग कर दिया इस तरीके से। ओके, जैसे आप स्विंग करोगे तो आपका ट्रूप समझ जाएगा कि आदेश हो गया है, अभी आगे बढ़ना है। ओके, एडवांस करना है, ठहरो होल्ड, ओके, कि आपको रुकना है, तो दायां हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी बंद कर ली। ये कौन करता है, तो कमांडर करता है, ये जो आगे चल रहे होते हैं स्काउट्स वो करते हैं। ओके, सिग्नल्स विद हैंड, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। टर्न अबाउट यानी पीछे घूम जाओ, राइट आर्म रेज्ड एंड बेंट ओवर हेड, दायां हाथ ऊपर उठाया और सर के ऊपर रख लिया, इसका मतलब पीछे घूम जाओ, दाहिना हाथ उठाया और सर के ऊपर झुका लिया, इसका मतलब पीछे लौट जाओ, पीछे मुड़ जाओ, टर्न अबाउट। ओके, चेंज द डायरेक्शन यानी अपनी दिशा बदलो, दायां हाथ कंधे के साथ लाइन में सामने करने के लिए उठाया, फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार दिशा बदल दी। जैसे कि जैसा हमने इसमें पढ़ा था, इसमें तो हमने हाथ को स्विंग किया था इस तरीके से, ओके, हाथ पीछे ले गए और आगे स्विंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे हमने सीधा अपना, मेरे हाथ की पोजीशन ये थी, हाथ ऊपर की ओर उठाया और जिस भी डायरेक्शन में मेरे को ट्रूप को तोड़वाना है उस डायरेक्शन में टर्न हो जाऊंगा, राइट लेफ्ट या स्लाइट राइट स्लाइट लेफ्ट, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं, आधा दाएं आधा बाएं, जहां पे भी मेरे को मूव करवाना होगा। ओके, क्लोज यानी एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्लोज हो जाओ, सर के ऊपर दाहिना हाथ की जगह दाएं ओर कोहनी। ओके, अपना दायां हाथ उठाया और सर के ऊपर पूरी उंगलियां क्लोज करके ग्रुप बना के रख लिया। ओके, और आपकी कोहनी दाएं की ओर। उसके बाद फॉलो मी यानी मेरे को फॉलो करो, राइट आर्म स्वंग फ्रॉम रियर टू फ्रंट एंड अबव द शोल्डर इन आर्म बाउलिंग फैशन। ओके, दायां हाथ पीछे से आगे की ओर घुमाया, जैसे कि एक कोई गेंद फेंकता हो। ओके, दाहिना हाथ में कंधे को के ऊपर पीछे से सामने आ गया हाथ, गेंदबाजी फैशन में। ओके, यानी हाथ पीछे से ऐसे घुमा के इस तरीके से, ओके, जैसे हम गेंद फेंकते हैं। ओके, एनिमी अप्रोचिंग यानी दुश्मन पास आ रहा है, दुश्मन पास आ रहा है यानी दोनों हाथ पीछे किए और हथेलियां अंदर की तरफ मोड़ ली। ओके, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हथेलियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। एनिमी एलएमजी फायरिंग की दुश्मन की लाइट मशीन गन फायर कर रही है, दायां हाथ उठाया और थंब डाउन और अंगूठा नीचे की तरफ कर दिया, यानी दुश्मन की एलएमजी फायर कर रही है। अटैक यानी दुश्मन पर हमला करो, मुक्का मारने की पोजीशन में, पंच करने की पोजीशन में अपना राइट या लेफ्ट हैंड किया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अटैक, जिस भी डायरेक्शन में आपको अटैक करवाना है उसी तरफ अपना हाथ पंच की पोजीशन में लिया और घुमा दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस तरफ अटैक करना है। क्लोज टू रेंडेव्यू, ओके, यानी दिए गए स्थान पर इकट्ठे हो जाओ, अपने हाथ लिए और कमर के या स्टमक के सामने वेस्ट लेवल पे क्लोज कर लिए, इसका मतलब दिए गए स्थान पर इकट्ठा होना है। इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल अहेड यानी आगे इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल है, कमर के सामने से हथेली खुली रखकर सामने की ओर हाथों को विपरीत दिशा में करना, यानी कमर के सामने हथेली लेनी है और उसको ऊपर ले जाते समय ऊपर लेके जाना है मोशन में और इस तरीके से क्रॉस कर लेनी है, यानी आगे इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल है। आगे देखते हैं सिग्नल विद वेपन्स। देखो जब भी आप दुश्मन की टेरिटरी में होते हो तो आप बात करके या आवाज ऊंची करके अपने ट्रूप्स को सिग्नल नहीं दे सकते, इसी समय पे हम सिग्नल विद हैंड्स का प्रयोग करते हैं, या हमारे ट्रूप्स बहुत दूर दूर हैं तब हम सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं।
ये भी हम पढ़ेंगे कि सिग्नल्स का प्रयोग कब करते हैं, कौन से सिग्नल का कब प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, होल्ट का, जैसे एडवांस का, डिप्लोय का, ये बड़े आसान से होते हैं, सबसे ईजी होते हैं। ओके, या फिर एनिमी अप्रोचिंग, एनिमी एलएमजी फायरिंग, ठीक है, हाथ उठाया, अंगूठा डाउन, यानी दुश्मन की एलएमजी फायर कर रही है। ओके, अटैक का, तो ये आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं और थ्योरी में भी ये आ सकते हैं। ओके, सिग्नल विद वेपन, वेपन के साथ सिग्नल करना, दुश्मन की एनिमी इन साइट, जैसे ही दुश्मन नजर आ गया, दुश्मन की दिशा में सिर के समानांतर राइफल ऊपर उठा लेना। ओके, अपनी राइफल को जिस भी तरफ आपको दुश्मन दिखा है उसी तरफ उठा के उसी तरफ मोड़ देना, तो पीछे जितना भी ट्रूप है उसको पता लग जाएगा कि उस तरफ दुश्मन है और वो सब अलर्ट हो जाएंगे या अपने एक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। एनिमी इन साइट इन लार्ज नंबर, की जो दुश्मन दिखा वो ज्यादा तादाद में है, तो इसी तरीके से सर के ऊपर अपना वेपन उठाना हो, ऊपर नीचे दो तीन बार करना है। ओके, तो इससे सब क्या समझ जाएंगे कि जो दुश्मन है वो भारी तादाद में है। एडवांस, दोनों भुजाओं का आकार यू के आकार में उठाना। ओके, इस तरीके से अगर आप अपने वेपन के साथ खड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, एडवांस। अब देखते हैं सिग्नल विद विसल, सीटी के साथ सिग्नल कैसे दिए जाते हैं। कुशनरी ब्लास्ट, यानी जब भी एक कमांडर को अपने ट्रूप्स का ध्यान खुद की ओर आकर्षित करना होता है तो वो छोटे छोटे ब्लास्ट करता है सीटी के, यानी धीरे धीरे सीटी बजाता है छोटे छोटे अंतराल में, किसके लिए, अपने ट्रूप्स का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। द अलार्म ब्लास्ट, यानी अपने ट्रूप्स को अलर्ट करने के लिए। अ सक्सेशन ऑफ अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट विसल, पहले एक लंबी सीटी बजाई जाएगी और उसके बाद एक छोटी सीटी, फिर एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, यानी सब अलर्ट हो जाइए। ओके, एनिमी एयरक्राफ्ट, यानी दुश्मन का जहाज आ रहा है। अ सक्सेशन ऑफ शॉर्ट ब्लास्ट, छोटी छोटी कई सारी सीटियां लगातार बजानी। ओके, एनिमी एयर एयरक्राफ्ट डिपार्टेड, यानी दुश्मन का जहाज है वो चला गया। टू लॉन्ग ब्लास्ट, एक ब्लास्ट फिर 5 सेकंड का गैप और उसके बाद दूसरा लंबा ब्लास्ट सिटी का। ओके, तो उससे क्या पता लगता है कि एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है वो जा चुका है। ओके, ये ब्लास्ट है सिटी जो हम बजाते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट। फील्ड सिग्नल एज मींस ऑफ गिविंग ऑर्डर, देखो फील्ड सिग्नल अपने ट्रूप्स को अलर्ट करने के लिए एज वेल एज ऑर्डर देने के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जब भी किसी भी पोजीशन में हम आवाज से अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, ओके, उस समय हम क्या करते हैं, फील्ड सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। कई सारे ओकेजन्स होते हैं फील्ड सिग्नल प्रयोग करने के, जैसे इसमें से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द ओकेजन्स और व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच फील्ड सिग्नल्स आर यूज। अब आप पीस स्टेशन में कहीं पे अपने ट्रूप से बात करने के लिए तो फील्ड सिग्नल यूज नहीं करोगे, आप सिंपली बोल के बता दोगे। जब युद्ध होता है या दुश्मन के काफी करीब होते हैं हम, तब ज्यादातर फील्ड सिग्नल्स का यूज किया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, द फर्स्ट इज बैटल नॉइज। जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारे, क्योंकि कई सारे वेपन फायर हो रहे होते हैं, ओके, गाड़ियां आ जा रही होती है, तो काफी शोर शराबा होता है, एयरक्राफ्ट उड़ रहे होते हैं, तो उस समय पे तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तो कमांडर अपना मैसेज देने के लिए फील्ड सिग्नल्स का यूज करता है। नीड ऑफ साइलेंस, जब आप किसी एम्बुस में हो, ओके, किसी पेट्रोलिंग पार्टी में हो, तो आपको साइलेंस की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सरप्राइज मेंटेन करने के लिए, तो उस समय आप फील्ड सिग्नल्स का यूज करते हो। सपोज एम्बुस में, पेट्रोलिंग के दौरान, रेड के दौरान, कोर्डन के दौरान, इंटरवीनिंग के दौरान, या फिर जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ओके, कुछ लोग नदी के उस पार हैं, कुछ लोग नदी के इस पार हैं, तो तब उस समय किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है या कमांडर को कोई मैसेज कन्वे करना है अपने ट्रूप्स को, ओके, तो उस समय हम फील्ड सिग्नल्स का यूज करते हैं। मेथड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ट्रूप्स, कई सारे मेथड होते हैं अपने ट्रूप्स का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। देखो सिग्नल आप तभी दोगे ना जब आपके ट्रूप्स आपकी तरफ देख रहे हैं। सपोज यू आर अ कमांडर, अगर आपको अपने अपना मैसेज या कोई भी संदेश अपने ट्रूप्स को कन्वे करना है तो पहले आपको उनका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से मेथड है जिनसे कमांडर अपनी तरफ अपने ट्रूप्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है।
बिफोर एनी फील्ड सिग्नल इज एग्जीक्यूटेड कमांडर हैज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ट्रूप्स, हमने अभी डिस्कस किया। मेथड्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ट्रूप्स आर अशॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विसल, सीटी बजा के, ओके, अ बर्ड कॉल, जैसे आपने टेंगो चार्ली मूवी में भी देखा होगा कि आप पक्षी की आवाज निकाल के अपने ट्रूप्स का अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, या ट्रूप्स का अटेंशन सॉरी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। विसल बाय माउथ, मुंह से सीटी बजा के, ओके, क्लिक्स यूजिंग टंग, जीभ से क्लिक्स लाइक, इस तरीके से आप अपने ट्रूप्स का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। क्लिक्स बाय फिंगर, चुटकिया बजा के, ओके। अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सेना में कई सारे कम्युनिकेशन के कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अभी रिसेंटली मेरे को कमेंट में भी एक SW या आई डोंट नो वो JW थी या SW कैडेट ने पूछा था कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आर्म फोर्सेज, ओके, बिसाइड्स फील्ड सिग्नल, फील्ड सिग्नल के अलावा और कौन कौन से मेथड है। डिस्पैच रनर, ओके, जो लोग पैदल जाके एक संदेश को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह को दूसरी जगह पे एक संदेश को पहुंचाते हैं। डिस्पैच राइडर, जो मोटरसाइकिल से जाके संदेश को पहुंचाते, पुराने टाइम में साइकिल्स ज्यादा यूज होती थी, वर्ल्ड वॉर्स में बहुत ज्यादा हुई है मोटरसाइकिल्स यूज होती थी, इनमें से कई सारी चीजें अभी भी यूज होती हैं। देयर आफ्टर योर रेडियो सेट्स, रेडियो सेट्स का हम सबको पता ही है, उससे हम अपना मैसेज कन्वे कर, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, आपका इंटरनेट होता है, ओके। देयर आफ्टर फील्ड सिग्नल्स बाय डे, दिन के समय हम फील्ड सिग्नल किस तरीके से दे सकते हैं। सम ऑफ द विजुअल सिग्नल्स यूज्ड ड्यूरिंग द डे आर फ्लैग्स, जब भी हमें किसी को सिग्नल देना है दिन के दौरान तो हम फ्लैग्स का, झंडे का प्रयोग कर सकते हैं, मरकरी कोटेड मिरर जो ज्यादा चमकते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, ओके। इंडियन नेवी बहुत ज्यादा फ्लैग्स का यूज करती है, ओके, फ्लैग्स रेड ग्रीन व्हाइट फ्लैग्स, किसी भी तरीके के फ्लैग्स, मरकरी कोटेड मिरर्स यूज हो सकते हैं, स्मोक का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। कई सारे सिग्नल्स हम इम्प्रोवाइज करते हैं, ओके, क्योंकि हर जगह पे हर चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो जो भी चीज अवेलेबल होती है उससे भी हम कई सारे सिग्नल्स इम्प्रोवाइज करते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रोवाइज्ड सिग्नल्स, ओके। सो वो कैसे होते सकते हैं, क्लोथ सुपरफिशियली हंग आउट टू ड्राई, ओके, किसी बंकर के बाहर या कहीं पे भी कपड़े बाहर सुखाने के लिए लटकाए हो, इससे भी हम सिग्नल दे सकते हैं अपने ट्रूप्स को, ओके। अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि XYZ कलर का कपड़ा अगर सबसे आगे सूख रहा है यानी हम सही हैं, या हमारे बंदे सही हैं, या हम अटैक करने वाले हैं, XYZ सिग्नल, ओके, या दुश्मन की कोई हरकत है, अगर दो पैंट फौजी प्रिंट की पैंट लगातार सूख रही है यानी हमें दुश्मन की कोई हरकत दिखाई दी है, तो इससे किसी और को ऑब्जर्व करने वाले को क्या लगेगा कि सिर्फ नॉर्मली कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन आप इस मेथड से अपना मैसेज कन्वे कर देते हो, ओके। हरिकेन लैंप, जो नॉर्मली लैंप आप देखते हो वो विंडो में रखा हो, तो इससे भी हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि मैं सही हूं, अगर वो लैंप बंद कर दिया है तो यानी दुश्मन की कोई हरकत नहीं है, या XYZ जो भी आपको कोड अपनी ब्रीफिंग में बताया गया है। फ्लैशिंग ऑफ टॉर्च इन यूज्ड इन मोर्स कोड, अपनी टॉर्च को मोर्स कोड के अकॉर्डिंग जला के सिग्नल देना। मोर्स कोड क्या होता है, इसको बोलते हैं मोर्स कोड, सपोज आपने एक बार सिग्नल दिया, ओके, उसके बाद लगातार ऐसे ऐसे टॉर्च जला के ऐसे लंबे लाइन बना दी तो ए हो गया, ओके, मतलब उससे कोड हो सकता है, अगर मैं ए बनाता हूँ मोर्स कोड में अपनी टॉर्च से तो इसका मतलब एनिमी अप्रोचिंग, दुश्मन आ रहा है, बी बनाता हूँ तो एनिमी रुक गया है, ई बनाता हूँ तो एनिमी का फायर शुरू हो गया है, XY इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं टॉर्च को। उसके बाद अप्लाइंग वेरियस कलर्स और साइन ऑन फोरहेड, माथे पे या शरीर पे या आर्म्स पे अलग अलग साइन लगा के हम सिग्नल्स दे सकते हैं, ओके। फील्ड सिग्नल बाय नाइट, रात के दौरान फील्ड सिग्नल देने के तरीके। सम ऑफ द फील्ड सिग्नल दैट कैन बी यूज इन नाइट आर प्री डिसाइडेड सिग्नल ऑन वोकी टोकी, कि वोकी टोकी पे एक क्लिक आएगा या एक टक की आवाज आएगी तो समझ लेना दुश्मन का फायर शुरू हो गया है, या दुश्मन अप्रोच कर रहा है, या हम दुश्मन के करीब, XYZ। क्लिक्स बाय फिंगर, चुटकिया बजा के आप रात के समय, क्लिक्स बाय टंग,
विसल बाय माउथ, मुंह से सीटी बजा के रस्सी से, यानी किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध दिया, और जैसे ही दुश्मन की कोई हरकत नजर आई तो हमने रस्सी को खींच लिया। तो सपोज जो भी उस आवाज को सुनेगा वो अलर्ट हो जाएगा, हाँ यानी एक्स वाई जी पोस्ट पे हरकत दिखाई दी। इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल एक बार हमारे इंस्ट्रक्टर ने दिया था, मतलब ही यूज टू डू सो, वो ऐसा यूज करते थे कि जब भी हमारा क्या होता था ना, एक पोस्ट आगे था और एक पोस्ट थोड़ा सा पीछे था, लाइक दिस। ओके, सो हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे हमारे ट्रूप्स अक्सर रेस्ट करते थे और यहाँ पे हमारे स्काउट्स बैठ के ड्यूटी देते थे। तो हमने क्या कर रखा था, एक वायर से यहाँ पे कुछ एक बर्तन बांध रखे थे। ओके, जैसे ही इनको कोई हरकत नजर आती तो इस वायर को खींच देते और बर्तनों में आवाज होती। तो जैसे ही बर्तनों में आवाज होती तो ये अलर्ट हो जाते। ओके, तो इस तरीके से भी हम फील्ड सिग्नल्स का या अलग अलग इम्प्रोवाइज सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ कलर लाइट, कलर लाइट का यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ ब्लैक्ड आउट टॉर्च, फायरिंग ऑफ वेपन, अलग अलग तरीके से हम रात के समय भी फील्ड सिग्नल का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। फील्ड सिग्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर आप अपने नोट्स बना लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, अपनी बुक से पढ़िए। ओके, अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी रहती है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आपका खुला है। कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो आई विश यू अ वेरी गुड लक। आप पढ़िए बार बार, लेक्चर्स को देखिए, कुछ समझ नहीं आता तो बार बार पूछिए। आई एम हेयर टोटली ओपन, यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू, जय हिंद।